संभावित बाढ़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ सतर्कता बरतता है। प्रत्येक थानों पर आसपास के नागरिकों की समिति गठित कर बाढ़ के बचाव के प्रति उन्हें सचेत भी किया जा रहा है तथा नावों एवं नायकों की संख्या को सूचीबद्ध कर उस पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपदा के वक्त नागरिकों एवं नायकों की सहायता ली जा सके। इसके लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क कर दिया है तथा बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में एक समिति गठित कर दी गई है जो बाढ़ स्थिति पर निगरानी रखेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा जी प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में चूंकि गोरखपुर लोलाइंग एरिया है, तराई का एरिया है और पास में पहाड़ नेपाल से जुड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है यहाँ पानी बढ़ता है। इसको लेकर के जो पुलिस महकमे में तैयारियां हैं वो बिल्कुल कर ली गई हैं। हर थाने चौकी के पास जो जितनी भी आसपास में लोगों को जोड़ करके नावें हैं, कितने नाविक हैं, ये सबकी लिस्ट बना के रखी जाती है। रात बिरात गश्त और पहरे की नौबत आती तो पुलिस उस पर आगे रहती है। साथ में ही ग्राम रक्षा समितियां और तटबंध रक्षा समिति वगैरह एक्टिवेट कर दी गई है। पुलिस की ओर से इसमें लगातार निगरानी बरती जा रही है। डायल 100 के व्हीकल्स और जो पुलिस की जो व्हीकल्स हैं उनकी लगातार पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई जा रही है और इस तरह की कोई सूचना डायल 112 भी और डायल 100 करके भी आप दे सकते हैं यदि कहीं इस तरह की सूचना है। और हम लगातार इसके लिए जो हमारा सिंचाई विभाग है और प्रशासन है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयार है। इस समय समय पर जहां हम जिस भी थाना क्षेत्र में जाते हैं तो जाहिर सी बात है अपराध भी हम देखते हैं। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी पुलिस का कई बार होता है तो जो भी वहाँ संबंधित चीज़ें होती हैं वो देखते हैं हम और यदि बाढ़ के कहीं हालात हैं तो पुलिस आगे से आगे उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है।